हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो अभी छत पे से एरोप्लेन जा रहा है। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं व्लॉग शूट करने के लिए अभी छत पे आया हूँ। और अभी मेरे घर के बाजू में जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो अभी प्लान कुछ ऐसा है, आज हमें जाना है बैंक, और हमारा आज एक कुरियर भी आने वाला है, वो भी रिसीव करना है। तो अभी तैयार हो चुका हूँ, भैया को भी काम है तो बोले मैं भी आता हूँ। आते हैं कि नहीं आते पता नहीं, पर हमें तो बैंक जाना ही है। कुरियर हमारा आने वाला है, उसका टाइमलाइन 12 बजे के आसपास का है, मैंने चेक किया अपने मोबाइल में, तो 12 बजे के आसपास है। तो उसके पहले हमें काम ख़त्म करना है और आज जाने वाला हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो सोच रहा हूँ कि चाय पीने जाऊँ एक स्पेशल जगह। मतलब चाय तो स्पेशल नहीं होगी, वो जगह स्पेशल होगी, देखते हैं। वहाँ पे जाता हूँ फिर मिलता हूँ। अकेला जाता हूँ, कोई साथ में आता है पता नहीं, पर जाना तो है ही। तो आज जाऊँगा ज़रूर, क्योंकि आज मौसम अच्छा हो रहा है। और कल हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी, अहमदाबाद में सब जगह पे बारिश हुई, पर यहाँ पे हमारे इधर थोड़ी कम हुई, बाकी सिटी एरिया में ज़्यादा हुई है, हमारे एरिया में कम हुई है ऐसा बेसिकली। पर कल इतनी हवा चली, रात को लाइट नहीं थी, 12 बजे से लाइट चली गई थी, तो सुबह 5 बजे आई थी। पता नहीं क्या रीज़न था, आई थिंक हवा की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कट करती होगी, किसी को हर्ट ना हो उसकी वजह से। बाकी तो सब चलता रहता है, यही चल रहा है। और अभी जाना है बैंक जाके काम ख़त्म करते हैं, तो मिलता हूँ ना बैंक में। फिर से ट्रैफिक में फंसते हुए, यहाँ पे हर रोज ट्रैफिक लग ही जाता है, थोड़ा बहुत शाम को ज़्यादा लगता है। पर हमारे साथ है हमारे भाई महेंद्र भाई, भाइयों के भाई महेंद्र भाई, इनको भी कुछ काम था तो उनके साथ जा रहे हैं अभी। वो हमारी 105 उसी बस में हम लोग कॉलेज जाया करते थे। अभी मेरा कॉलेज मैंने शिफ्ट नहीं की थी, उसके पहले मैं लाल दरवाजा कॉलेज जाता था, तो वहाँ पे इसी बस में जाते थे। ये वहाँ डायरेक्ट हमारी कॉलेज के गेट पे उतार दी थी हमें, उसकी यादें भी अलग थी, वो बस की यादें भी अलग ही। तो हमारा काम ख़त्म हो चुका है, अभी हमें दूसरी बैंक में जाना है, इनकी बैंक में जाना है। अभी चलते उधर, इधर से थोड़ा दूर है उधर जाना है। इनके भी अलग अलग प्रकार के नखरे होते हैं। तो अभी चलते हैं उनकी बैंक में। अभी हमारा बैंक का काम तो ख़त्म हो चुका है, ये लिया ATM के लिए थोड़ा लफड़ा हो गया था, अभी लिया फिर ATM, उनकी साइन चाहिए थी तो उनकी साइन करवा ली, तो अभी ATM ले लिया। अभी कुरियर वाले का भी फ़ोन आ गया अनफॉर्चुनेटली रास्ते में, तो हमारा काम भी हो जाएगा। वो बोला मैं रास्ते में हूँ तो आप वहीं पर आ जाओ, तो मुझे मिल लेंगे बाकी सब बढ़िया। तो अभी चौकड़ी पार कर रहे हैं हम, सर्कल हमारा, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है। ये खड़े हमारे कुरियर वाले भैया, ये खड़े हमारा कुरियर आ चुका है। अभी घर पे जाके इसे अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर कुछ राज वाली चीज़ें। अभी घर पे आ चुका हूँ फाइनली, और घर पे आके देखे तो झटका लगा, क्योंकि लाइट ही नहीं है घर में। देखो पूरा घर में लाइट नहीं था, लाइट ही नहीं है घर में। अभी अनबॉक्सिंग करते हैं इस चीज़ की। मेरे को मैंने कुछ 550 रुपये के, नहीं 500 मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है मैंने, ये अमेज़ॉन से मेरे को लिखा। और इसके अंदर सरप्राइज है, जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा या आने वाले व्लॉग में हो सकता है आपको पता चल जाए कि वो व्लॉग क्या है, या तो इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या है। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, लेट्स अनबॉक्स। ये बुक कुछ ऐसा है, लो इसे अनबॉक्स करते हैं, तो इसे साइड पर रख देते हैं। कुछ ऐसा है, अभी ये देख के पता ही चल गया होगा कि आपको एक क्या चीज़ है। तो हमने मंगवाया है हेलमेट में फ़ोन माउंट,
अब हम फ़ोन से व्लॉगिंग चालू बाइक पे भी करेंगे हम, इसके लिए हमने ये मंगवाया है, इसे भी अनबॉक्स करते हैं। तो इसे भी अनबॉक्स करते हैं हम। ओहो, ये रहा हमारा माउंट, ये हम हेलमेट में इसे अटैच कर देंगे, और ये रहा उसका वो कनेक्टर, तो हो जाएगा। तो इसके अंदर और पीछे इसकी ग्रिप बनी हुई है, ये रहा यहाँ पे ये माउंट लग जाएगा, ये माउंट दिया है। हाँ, ये भी अच्छी क्वालिटी का ही है, इसे यहाँ पे लगा देने का। और ये बाइक के अंदर टाई अप हो जाता है, अभी कैसे खुलता है मेरे को भी नहीं पता। हाँ, ऐसे खुलता है। ओके, फिर ये है, इसके अंदर ये डाल के इसे लॉक कर देने का, जिससे टाइट हो जाए। बाकी सब ठीक है, अभी हम अगले व्लॉग में से कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। तो माइक में कुछ ये इसको ऊपर करते, मेरा हेलमेट, और ये यहाँ पे ऐसे कुछ टाइट ऐसे हो जाता है, ये ऐसे यहाँ पे। तो होगी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, हमने जो ये मंगवाया था हेलमेट माउंट फ़ोन के लिए, ये है ना, थोड़ा यूज़ किया हुआ लग रहा है मेरे को। देखो, मैं दिखाता हूँ, देखो ये, देखो ये सब घिसा हुआ है, पहले किसी ने यूज़ किया हुआ है, वही चीज़ इन्होंने वापस भेज दी है रिटेलर ने, तभी इसको चेंज करवाना है। और ये ठीक से बैठ भी नहीं रहा, और मैं जब भी फ़ोन रख रहा हूँ यहाँ पर, तो वो मेरे आँखों के यहाँ पर आ जाता है, तो फिर मैं देखूँगा कैसे, यहाँ पर आ जाता है, इतनी जगह में से मैं देख नहीं पाऊँगा, इसलिए मुझे दूसरा ऑर्डर करना, अच्छा इससे भी बेटर ऑर्डर करना पड़ेगा। ये एकदम घटिया है, कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए ये अभी चेंज करवा देंगे हम। और ये फिट भी नहीं हो रहा, देखो लूज़ है, एकदम लूज़ है, देखो एकदम लूज़ है, तो इसकी वजह से हमें अब दूसरा करना पड़ेगा, इसको वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इसको रिटर्न कर देंगे, और दूसरा देखते हैं क्या दूसरा अच्छा होता है, दूसरा मंगवाते हैं, इसको तो नहीं मंगवाएंगे अब, इसको रिटर्न करना पड़ेगा। हर जगह से घिसा हुआ है, और ठीक से स्ट्रैप भी बंद नहीं हो रही है, तो अभी इसको रिटर्न पैक कर देते, अभी इसको इस डब्बे में पैक कर देते, फिर रिटर्न कर देते हैं। ये जैसे था वैसे हमने पैक कर दिया है, देखो अभी इसको वापस रिटर्न करना। अभी खाना भी खाना, लाइट अभी तक आई नहीं है, और एरोप्लेन आ गया, अभी खाना भी खाना है, लाइट अभी तक आई नहीं है। सोच रहा हूँ कि मौसी के घर चला जाऊँ, जब तक लाइट शाम तक आने वाली नहीं है, क्योंकि रिपेयरिंग चल रहा है, अभी जाते हैं वहीं पे।